मोना ने पहली बार बताई थी बोनी कपूर संग रिश्ते की सच्चाई। कहा था मेरा पति अब किसी और को। मिस्टर इंडिया, नो एंट्री, जुदाई और वांटेड जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना शौरी कपूर का 2 फरवरी को जन्मदिन है। मोना का जन्म 1964 को दिल्ली में हुआ था। मोना का साल 2012 में कैंसर की बीमारी की वजह से निधन हो गया था। बोनी कपूर ने जब मोना से शादी की तब दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। साल 1983 में दोनों की शादी हुई थी। साल 1985 में अर्जुन कपूर का जन्म हुआ और साल 1987 में उनकी बहन अशुल्ला का। लेकिन कुछ साल बाद बोनी की नज़दीकियां श्रीदेवी से बढ़ गईं। साल 1996 को जब बोनी कपूर और श्रीदेवी ने शादी कर ली तब जाकर मोना कपूर को एहसास हुआ कि उनका घर टूट चुका है। मोना ने चुपचाप बोनी कपूर को इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया क्योंकि श्रीदेवी शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी थी। श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी से दुखी मोना ने एक बार 2007 के एक इंटरव्यू में कहा था कि बोनी के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। बोनी मुझसे 10 साल बड़े थे। जब मैंने उनसे शादी की तब मेरी उम्र 19 साल थी। हमारी शादी 13 साल पुरानी थी। मोना कपूर ने कहा था यही वजह है कि जब मुझे पता चला कि मेरे पति किसी और से प्यार करते हैं तो धक्का लगा। बोनी को अब मेरी नहीं किसी और की जरूरत थी। दूसरा मौका देने के लिए रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उनका रिश्ता कायम हो चुका था। मेरा इससे बाहर निकलना ही बेहतर था। उन्होंने इस रिश्ते के दर्द को चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। मोना ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि दोनों की शादी का बच्चों पर भी बुरा असर पड़ा। मेरा बेटा अर्जुन और बेटी अंशुल्ला तब स्कूल में थे। स्कूल में मेरे बच्चों को बुरे बुरे तानों का सामना करना पड़ा लेकिन वे स्ट्रॉन्ग बने और पूरी कंडीशन को समझा। बता दें श्रीदेवी से शादी करने के बाद बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। ऐसे में मोना शौरी कपूर ने अकेले ही बेटे अर्जुन और अंशुल्ला की परवरिश की।